नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ काली उड़द की सरपैता। काली उड़द की सरपैते के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है 25 ग्राम चने की दाल, साथ ही मैंने 100 ग्राम काली उड़द का यूज़ किया है। मैंने 250 ग्राम पालक काटा हुआ है, आप चाहें तो पालक की जगह बथुए का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने 2 बड़े टमाटर का यूज़ किया है, जिसे मैंने बड़े पीस में ही कट किया है। बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, साथ ही 2 छोटे तेज पत्ते, 1 बड़ी हरी मिर्च और 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच लहसुन, साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक का यूज किया। मैंने अदरक और लहसुन को दरदरा ही कूटा है, इसे पेस्ट नहीं बनाया है। दाल बनाने के लिए मैंने सरसों तेल का यूज किया है, साथ ही हम तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच घी का यूज करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग और मैंने यहाँ पे तड़के के लिए 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का यूज किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना उड़द दाल का सरपैता। सबसे पहले मैं काली उड़द की दाल और चने की दाल को अच्छे से धो लूंगी। कुकर अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपना सरसों तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपना 2 तेज पत्ता डालेंगे, साथ ही हम जीरा डालेंगे, इसमें हरी मिर्च, कुटा हुआ लहसुन और अदरक। इसको अच्छे से चला देंगे। अदरक और लहसुन को हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। आप कुटी हुई अदरक और लहसुन का यूज़ ज़्यादा करें तो इससे सरपैता बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसमें लहसुन का। अदरक और लहसुन अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे हम। तो प्याज भी हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे अपनी दाल। मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, साथ ही नमक। अब इसमें हम डालेंगे अपनी पालक, आप चाहें तो पालक की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। पर काली उड़द की सरपैता में पालक बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, पानी आप कम या ज्यादा अपने अंदाज से रखिए। इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए टमाटर। मैंने टमाटर को भूना नहीं है बल्कि इसे ऊपर से एक अच्छा ही डाला है, इससे सरपैते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से जो हमारी दाल है वो ऊपर की तरफ नहीं बहेगी। मैं दाल को धीमी आंच पे 1 सीटी आने तक पकाऊंगी। अगर आप इसका मीडियम फ्लेम रखेंगी तो आप इसे 2 से 3 सीटी में पकाएं। तो कुकर का ढक्कन लगा देंगे और धीमी आंच पे दाल को हम अपनी पकाएंगे। तो दाल अच्छे से पक चुकी है, चलिए चेक करते हैं। कुकर का ढक्कन खोलेंगे, ये देखिए दाल बहुत अच्छे से पक गई है। मैंने दाल को धीमी आंच पे ही पकाया है। तो चलिए अब हम अपनी दाल में तड़का लगाएंगे। तो सबसे पहले हम तड़का पैन गरम करेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें अपना हींग डालेंगे, साथ ही हम इसमें अपना कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल में अच्छे से तड़का लग चुका है, आप दाल का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। मैंने दाल में किसी भी मसाले का यूज नहीं किया है, ना सब्जी मसाला ना ही खड़े मसाले का यूज किया। मैंने बहुत सिंपल सी सादे तरीके से दाल बनाई है। दाल देखने में जितनी अच्छी है खाने में भी उतनी टेस्टी लगेगी आपको। मैंने टमाटर को भी फ्राई नहीं किया था, कच्चा ही डाला था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे उड़द दाल का सरपैता पसंद आया है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।